आपको बता दें कि बीते 3-4 दिन पहले हम वीसी महोदय के पास एक ज्ञापन लेकर पहुंचे। हमने उस ज्ञापन में कुछ एक डिमांड ऐसी रखी जिसमें हमसे पहले ही कुछ एक अत्याधिक फीस ली जा रही है। मैं बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फीस के नाम पे 5,000 रुपया 4,000 रुपया पर सेमेस्टर लिया जाता है। अगर मैं बात करूं बाकी विश्वविद्यालय की, वहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपया फीस ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम पहले ही 2 से 3 गुना ज़्यादा विश्वविद्यालय को फीस दे रहे हैं। इसके अलावा गार्बेज कलेक्शन के नाम से 100-100 रुपया पर ईयर के नाम पे उसमें एडिशन की गई। मैं बता दूं पिछले 45 वर्ष से जब से इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब से कोई भी इस तरह का गार्बेज शुल्क नहीं लिया जा रहा था। मैं वीसी साहब को पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा गार्बेज आपके आने से आ गया जिसको हटाने के लिए आपको सालाना 6 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है? ऐसा कौन सा गार्बेज 45 साल में सिर्फ आपके आने से आया जिसको हटाने के लिए आपको बच्चे से 50-50 रुपए लेना पड़ गए? चेतावनी देता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस बढ़ी हुई फीस को वापस ले, अन्यथा आज यहाँ पे 200-300 बच्चा उपस्थित है, कल यहाँ पे 400-500-600 हजार स्टूडेंट उपस्थित होगा और आंदोलन इससे भी ज्यादा उग्र होगा। नहीं चलेंगे। जो वृद्धि हुई है विश्वविद्यालय के इसके स्ट्रक्चर में फाटक नहीं आया। परमानेंट पोस्ट पर बैठे हुए टेम्परेरी वीसी, इनको पता नहीं क्या हो जाता है कि फीस स्ट्रक्चर के नाम पे छात्रों को लूटना स्टार्ट कर देते हो गई है। और आपने बताया कि ये जो वाइस चांसलर है ये एक टेम्परेरी वाइस चांसलर है। यहाँ ऐसे टेम्परेरी वाइस चांसलर के पास जब कोई विद्यार्थी अपनी किसी मांग को लेकर जाता है तो छात्र हित की बात लेकर जाता है तो ऐसे टेम्परेरी वाइस चांसलर का जवाब होता है कि मैं यहाँ पे टेम्परेरी कार्यकाल के लिए हूँ, मैं आपकी किसी मांग को पूरा नहीं कर सकता, आप सरकार के पास जाइए, आप गवर्नर के पास जाइए, वो आपकी मांग को पूरा करेगा। परंतु जब बात आती है फीस वृद्धि की तो ये टेम्परेरी वाइस चांसलर ना होकर एकदम से अपने आप को परमानेंट वाइस चांसलर समझते हैं और अचानक से 2 लाख रुपया और 2 से 5 गुना तक जो है फीस वृद्धि यहाँ पे कर देते हैं। इसी चीज को विरोध करते हुए आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता समस्त छात्र शक्ति के साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और हमने पिछले कल ज्ञापन भी इसे सौंपा था कि आज शाम तक जो है इस नोटिफिकेशन आरक्षण नहीं चाहिए। हमें डिपो की कतार में राशन फ्री का नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो अच्छी शिक्षा चाहिए और उस शिक्षा के लिए आप लोग हमारी फीस जो है उसके साथ अत्याचार न करें, हमारे जेब के ऊपर डाका न डाले। मुख्यमंत्री महोदय, ये बच्चे जो हैं, ये जो पीछे खड़े बच्चे हैं, ये हम अंचल प्रदेश की पूरे देश का भविष्य है, इनकी जेब पे डाका मत डालें। आज आकर इनकी जेब पे डाका डालेगा तो आने वाले समय में बीच में पढ़ाई प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ विद्यालय प्रशासन होश में आओ।